तो दोस्तों इंडिया बुल हाउसिंग के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आज आपको देखने को मिली है। गिरावट के पीछे का क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है वहाँ पे क्यों समझाता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो न्यूज़ निकल के आई है वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन मार्केट इसको क्यों निगेटिव रिएक्ट कर रहा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा क्यों निगेटिव रिएक्ट हो रहा है इस पॉजिटिव न्यूज़ पर। तो चलिए देखते हैं क्या न्यूज़ है, लेकिन उससे पहले वाले जो न्यूज़ है, जो पिछले दो हफ्ते पहले न्यूज़ आई थी, वो था Q3 के नंबर। और Q3 के नंबर थोड़े से कमजोर थे, ये तो आपको ही पता है। Q3 के नंबर को मैंने कवर भी किया था, तो मुझे पता था कि से कमजोर नंबर थे, जिसकी वजह से शेयर के जो अंदर की गिरावट लगातार पिछले कई समय से गिरती आ रहा है शेयर। और फाइनली आज जो गिरावट है उसके पीछे का जो न्यूज निकल के आ रहा है, जो पॉजिटिव न्यूज लगता है मुझे, वो है कि पिछले 10 महीने पहले समीर गहलोत, बेसिकली इस शेयर के जो प्रमोटर है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने प्रमोटर पद से। लेकिन BSE को पहले अप्लाई करना रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहती है, तो पहले अप्लाई करना पड़ता है BSE को कि मेरा नाम आप प्रमोटर लिस्ट से हटा दीजिए। तो BSE को 10 महीने लगे हैं, जी हाँ, इतने ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए था, लेकिन 10 महीने लगे हैं BSE को उनका नाम प्रमोटर लिस्ट से हटा के पब्लिक लिस्ट में डालने का। तो फाइनली समीर गहलोत जो है वो प्रमोटर पद से हट के अब पब्लिक इक्विटी में आ चुके हैं, यानी कि हमारे आपके जैसे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उन पर उनका नाम आने वाला है, जो कि कंफर्म हो चुका है, जो कि आ ही चुका है ऑलरेडी। तो ये तो पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि मैनेजमेंट इतना घटिया है इस कंपनी का, जिसकी वजह से ही शेयर के अंदर लगातार गिरावट जा रही थी। बहुत सारे स्कैम भी किए हैं समीर गहलोत ने, जिसकी वजह से शेयरों निवेशकों के बहुत सारे पैसे डूबे भी हैं। तो अब क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मेरे हिसाब से पॉजिटिव न्यूज़ है। और आज की जो गिरावट है वो टोटली इस वजह से है, क्योंकि आज आपको याद होना चाहिए आज फरवरी का लास्ट महीने का लास्ट दिन है, यानी कि आज एक्सपायरी का दिन है। और एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जब एक पॉजिटिव न्यूज आती है तो बायर आ जाते हैं बाई करने के लिए। तो हर कोई तो बाई नहीं करेगा, क्या करे जो ऑलरेडी पिछले कई दिनों से शॉर्ट करके बैठा हुआ है, जो कि ऑपरेटर है, क्योंकि ऑपरेटर इस शेयर में पैसा बना रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर पैसा बना नहीं रहे। तो ऑपरेटर क्या करे थे, ऑपरेटर शॉर्ट करके रखे थे। आप अगर बाई करने के लिए आते हैं, ऑपरेटर शॉर्ट करते हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर आप बेच के निकलते हैं, फिर वहां पर वो शॉर्ट कवरिंग करता है। तो जिस वजह से शॉर्ट कवरिंग अभी लास्ट के आधे घंटे में आपको देखने को मिल रही है, और शुरुआती के आधे घंटे में आपको शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली थी। तो डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब शेयर यहां से एक ऊपर के अपसाइड के लिए एक तैयार हो रहा है, जो कि पॉजिटिव खबर भी आ रही है। Q3 के जो रिजल्ट की वजह से शेयर के अंदर गिरावट थी वो गिरावट खत्म हो चुकी है। तो अब जहां तक मुझे लगता है कि शेयर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, सेफ्टी पर्पज के लिए मैं आपको एक और एडवाइस दूंगा कि अगर आपके पास शेयर है तो 100 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लीजिए, क्योंकि 100 रुपये के नीचे जाता है शेयर तो फिर आपको 90 से 92 का लेवल दिखा सकता है। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है ऐसे शेयरों के लिए, क्योंकि पहला स्टॉप लॉस 100 रुपये का है, दूसरा 90-92 का है। और टारगेट की बात करें तो अगर शेयर ऊपर की ओर जाता है तो पहला टारगेट 120 के आसपास निकलता है, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 140 के आसपास का निकलता है। तो ये जो लेवल मैं आपको दे रहा हूँ, ये लेवल को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं इन शेयरों को अच्छे तरीके से जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ मैं इन शेयर को। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑपरेटर आपको हमेशा स्टॉप लॉस सेट कराएंगे अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो। तो स्टॉप लॉस जरूर कैरी कीजिएगा 100 और 90-92 का, और टारगेट ऊपर के लिए 120 से 140 का बनता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।